दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आइए, आज फिर एक शॉर्ट नोटिस लेके मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हो चुका हूँ। देखिए, ये जो न्यूज़पेपर में आया है उसकी कटिंग है, शॉर्ट नोटिस है। जो पॉपुलर कैटेगरीज है, जो इंतजार कर रहे थे एनटीपीसी के लिए, रेलवे के लिए, तो फाइनली ये इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आइए इसे देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड और सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस। तो सीएन नंबर ये देख लीजिए, 5/2024 और 6/2024। जो हमें पता है कि ये जो आप फॉर्म फिल करते हैं तो वो नोटिस संख्या या विज्ञप्ति संख्या भी इसे कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या है और इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। तो ये ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट जो बोलते हैं उसके लिए वैकेंसी आ चुकी है। और इसमें देख लीजिए क्या क्या है, डिटेल हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है अप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज इन द टेबल। जो टेबल आपको नीचे दी गई है उसमें वैकेंसी की चर्चा की गई है और एप्लीकेशन की वो किया गया है, बताया गया है। एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट होना चाहिए, मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। तो आप लोग का जो फॉर्म होगा ऑनलाइन ही माध्यम से भरा जाएगा। और ए सी एन नंबर वगैरह दिया गया है कि आपको ग्रेजुएट लेवल में भरना है तो 5/2024 और अंडर ग्रेजुएट 12th बेस जो हम कहते हैं 6/2024 के तहत आप भर सकते हैं। पारा नंबर वगैरह यहाँ दिया गया। अब देखिए इसमें क्या क्या डेट दी गई है, इसमें ओपनिंग की डेट दी गई है, ओपनिंग ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये 14/9/2024 को इसका ओपनिंग हो जाएगा। और आपका अगर क्लोजिंग डेट की या सबमिशन या लास्ट डेट जो बोला जाए तो वो 13/10/2024 को 23:59 अर्थात 11:59 तक ही रहेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो फॉर्म फिल अच्छे से करना है, आप लोग देख लीजिए। और अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो ग्रेजुएट पोस्ट के लिए तो देख लीजिए, लेवल अच्छे जॉब है, लेवल हालांकि बहुत ही बढ़िया है। अब देख लीजिए लेवल की अगर हम चर्चा करें तो लेवल जो है आपका 6 है, ये देखिए 6 है, ये नीचे 3 जो है वो 5 लेवल तक का दिया गया है। अब देखिए पोस्ट कौन कौन सी है, इसमें लिखा हुआ है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो लेवल 6 की है, इसका बेसिक 35,400 होता है। मेडिकल कैटेगरी की अगर हम चर्चा करें तो B2 होगा। और एज इस बार देखिए 18 से 36 दिया गया है। और टोटल सीटों की अगर चर्चा करें तो 1736 दी गई, 1736 सीटें दी गई। स्टेशन मास्टर की देखिए, बहुत से लोगों को स्टेशन मास्टर बनने का सपना रहता है तो आप स्टेशन मास्टर का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेवल 6 की जॉब है, थोड़ा वर्डन है पर कोई नहीं। देखिए इसका भी बेसिक 35,400 है। मेडिकल इसमें थोड़ा चेंज किया है, A2 है और 18 से 36 एज है और 994 आपको सीट है। अब देखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 की है, एक लेवल नीचे है इससे, लेवल 5 की है और 29,200 इसका बेसिक है। और मेडिकल जो कैटेगरी है वो A2 होगा, एज आपको पता ही है 18 से 36। और अगर सीट की चर्चा की जाए तो 3,144 सीट है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो देखिए जो अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है JEE, इसी को बोला जाता है, फुल फॉर्म है ये, आप लोग ध्यान दीजिएगा जब फॉर्म फिल करेंगे तो इसको थोड़ा सा आप लोग को अपने स्तर पे ध्यान रखेंगे। तो ये लेवल 5 का है, ये 29,200 बेसिक है। इनका मेडिकल जो C2 होता है 18 से 36 है और 1,507 सीटों का विवरण दिया गया है इनके द्वारा। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो जो टाइपिस्ट है जिनका टाइपिंग वगैरह अच्छा है तो बिल्कुल ये सीटों को ना छोड़ें और फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। लेवल 5 की जॉब है, 29,200 बेसिक है, मेडिकल अगर चर्चा करें तो C2 है, एज वही है और देख लीजिए ये आपका 732 है। अगर ग्रैंड टोटल की हम बात करें कि ओवरऑल कितनी सीटें हैं आपका, तो देख लीजिए 8,113 सीटें हैं, ये आपको बताया गया। अब देखिए अपर एज लिमिट इंक्लूडेड रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एस एन वन टाइम मेजर ड्यू टू कोरोना, COVID-19 के कारण ये आप लोग का जो एज दिया गया था तो उसको थोड़ा सा छूट दी गई एज में, ये आप लोग को पता ही होगा। और देखिए इम्पोर्टेंट डेट ऑफ सीएन नंबर 6/2024 जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की है तो उसके लिए है, ओपनिंग जो इसकी एप्लीकेशन की डेट है वो 21/9/2024 और क्लोजिंग की अगर डेट की चर्चा की जाए 20/10/2024 है। तो इसको ध्यान रखिए, जो डेट आने वाली है अब जल्द ही इसका फॉर्म फिल होना चालू हो जाएगा तो आप लोग को फिल करना है। और जो भी पोस्ट भरे हैं पोस्ट प्रेफरेंस भी अच्छे से भरें और अपना देख लीजिएगा कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं
और आपको किस जॉब में जाना है, आप प्रेफर करते हैं जिसमें जाना चाहते हैं उसको पहले फिल कीजिएगा। आप देखिए, ध्यान दीजिए, नेम ऑफ पोस्ट देखिए, ये जो अंडर ग्रेजुएट की है तो वो आप लोगों को पता ही होगा, ये लेवल 5 से थोड़ा कम रहती है। आप देखिए, इसमें कॉमर्शियल क्लर्क टिकट, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है, ठीक है, पोस्ट का नाम है, लेवल 3 की है और 21,700 इसका जो बेसिक है। मेडिकल कैटेगरी B2 है, एज तो एज लिमिट इसमें 18 से 33 दी गई, ऊपर वाले में 36 दी गई थी, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, ऊपर वाले में 36 तक लोग भर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 23 तक दी गई है और वैकेंसी 2022 है। और ये जो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ये भी अच्छी जॉब है, ये लेवल 2 की है, 19,900 है और C2 मेडिकल है, 361 आपकी वैकेंसीज है। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये देखिए, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की लेवल 2 की जॉब है, 19,900 आपका बेसिक होगा और सीटों की चर्चा करें तो 990 सीट होगी। और ट्रेन क्लर्क जो है वो, ये भी अच्छी जॉब है, तो ये ट्रेन क्लर्क है, इसमें देखिए आपका लेवल 2 के है, 19,900 आपका बेसिक होगा और आपका जो मेडिकल कैटेगरीज होगा A3 होगा और आपकी सीट हो जो दिया है 72 सीट दिया गया है। अब देखिए, जो ग्रेजुएट लेवल की ग्रांड टोटल और ये हो गया आपका 3,445, तो यहाँ देखिए, यहाँ सीटों की वर्णन 8,113 है और यहाँ पे सीटों का जो संख्या है वो 3,445। तो इस बार अच्छा मौका है, आप लोग को भरना है फॉर्म, बिल्कुल बिंदास होकर भरिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी की जो डिटेल है मैं फुल वीडियो ले आऊंगा जब इसका जो आपका जोन वाइज आपका निकाला जाएगा कितनी सीट कहाँ पे है, तो आप अपने अनुसार आपको फिल करना होगा। मैं उसकी जल्दी ही वीडियो लेके आऊंगा, जैसे ही नोटिफिकेशन मिलता है मुझे, प्राप्त होता है। तो इसी के साथ फिर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।